बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां अपने रसीले सेबों के साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल पर्यटकों से गुलजार नजर आया। यहां पर्यटक 31st और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। पर्यटकों के स्वागत के लिए हर्षिल को खास तौर पर बैलून लाइट से सजाया गया है। सबसे खास बात यह है कि हर्षिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थल के मार्ग में आता है और हर्षिल उत्तरकाशी से करीब 78 किलोमीटर और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार। तो हम हैं हर्षिल वैली के रहने वाले और बहुत ही संख्या में यहाँ पर यात्रीगण आ रहे हैं और दूर दूर जगहों से आ रहे हैं यहाँ पे, और हर जगह अपने होटल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे कई होटल हैं यहाँ पर कि बहुत सारे यात्री लोग रुक रहे हैं, और आप लोग ऐसा मत समझिएगा, जितने भी आ सकते हैं उतने आइए। हर्षिल में बहुत से होटल हैं हमारे यहाँ पे जो खाली हैं। पर हर्षिल वैली में आया हूँ जो कि बहुत खूबसूरत वैली है, और मेरा ये पहला साल है इधर आने का। बाकी मैं पहाड़ों में बड़ा घूमता हूँ, बट यहाँ के मैंने महसूस किया कि यहाँ की वाइब्स बहुत ही अलग है। और यहाँ से एक तो बहुत खूबसूरत ट्रैक जाते हैं, अगर जिसको पता ना हो, एक तो क्यारकोटी बहुत अच्छा ट्रैक है यहाँ का। देखिए, ये बात सही है कि 31 न्यू ईयर का टाइम है और दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा से सब बहुत बहुत सारी तादाद में लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए, और हर्षिल जो हमारे हॉटस्पॉट हैं टूरिस्ट के, तो उसके लिए इस बार हमने विशेष तैनाती की गई है। जो टूरिस्ट पुलिस है, उस जो ट्रेंड लोग हैं इसके लिए, उनको हमने जगह जगह चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, और होटल्स और ढाबों और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग जो है पिछले एक हफ्ते से चल रही है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई ऐसा हो, तो उसकी शिनाख्त की जाए। वेरिफिकेशन जो अभियान जो है हमारा,